आपको क्या करना है कैपिटल के साथ रिस्क मैनेज करना है और गाइज यहाँ पे वीडियो को आखिर तक देखना है आपको क्या करना है और गाइज अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब कर देना है देखो तो पे still, still holding, पे स्टील स्टील होल्डिंग का का वीकली चार्ट है आपके सामने तो गाइज देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी आपके सामने ट्रेंड लाइन थी ब्रेकआउट मिला अच्छे के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला और गाइज यहाँ पे देखो रिटेस्ट जो गाइज यहाँ पे कॉन्सुलटेट लेवल गाइज यहाँ पे यहाँ पे बाकी अभी रिटेस्ट करने है और गाइज यहां से ही वापस भग गया गाइज देखो अभी देखो जिस लेवल से वो आया था पुलवे किया था उसी लेवल पे गाय यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ था दो दो तीन बार तो यहाँ पे अभी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल चुका है वीकली टाइम फ्रेम है तो कहा अच्छा खासा चलने वाला है और पे ये ट्रेन लाइन का अभी भी टारगेट अभी बचा हुआ है मतलब गए अभी भी जहाँ पे मैं यहाँ पे टारगेट और टॉपल आपको दे चुका है तो कहीं यहाँ पे देख सकते हो गई जहाँ पे अभी भी गाइस 22 टू परसेंट यहाँ पे 22 टू परसेंट नहीं बट पे आप 20 परसेंट यहां से अभी भी इस स्टॉक से ले सकते हो तो गाइस पे टारगेट और एंट्री आपके सामने है गाइस पे ये स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हो आप जाके भी नहीं तो गाइस मैंने कर लिया है और गाइस आपको स्टॉप लॉस और गाइज एंट्री लेवल्स और सब कुछ दे चुका है तो गाइस नाम भी लिख लीजिए अपने वॉचलिस्ट में बिठा लीजिए गाइज नेक्स्ट स्टॉक के तरफ बढ़ते हैं है दूसरी स्टॉक की बात कर लेते यहाँ पे लिंडे इंडिया का स्टॉक है वन डे टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है पे देखो एक अच्छा खासा सीमेंट्रिकल पैटर्न बनाया गया है यहाँ पे एक कॉन्सिलिडेट किया उस पैटर्न में पे अभी क्या कर रहा है पे देखो एक कॉन्सिलिडेट करके ऊपर आया फुल बैग तो यहाँ पे देखो अच्छे खासे ब्रेकआउट गैज मिला है वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ध्यान से दे सकते हो कि मैं कभी भी कहीं की अगर बॉडी टू बॉडी ट्रेन आप अगर अटैच करोगे तो आपको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिलेगा तो देखो यहाँ पे पिछली कैंडल को भी वैसे ही ब्रेकआउट मिल चुका है गाय जहाँ पे बट पे अभी श्योरिटी के लिए अभी आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट मिल चुका है अभी भी गाइज देखो गाइज यहाँ पे मैं टारगेट अभी देखूंगा तो गाइज यहाँ पे फिफ्टीन परसेंट का अभी भी रिटर्न ले सकते हो और कहीं छोटा सा यहाँ पे चार परसेंट का यहाँ पे अभी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो तो बड़ा टार, बड़ा टारगेट है छोटा स्टॉप लॉस है इस स्टॉक में तो कहे आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो नहीं तो कहे आपने आपको मैं टारगेट टारगेट स्टॉप लॉस और टारगेट तो बचा लिया बता दिया है और कहे जहाँ पे क्या कर सकते हो आपको घर में जाके वॉचलिस्ट में बैठा लो और गाइज सॉरी गाय पे आप घर में ही होंगे कोई दिक्कत नहीं है सॉरी फॉर दैट तो गाइज यहाँ पे टारगेट और गाइज सब कुछ बता दिया है थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लेना आपने हिसाब से और गाइज यहाँ पे अपने कैपिटल के हिसाब से पे एंट्री और गाइज यहाँ पे ले लेना और गाइज यहाँ पे अभी बढ़ते है गाइज थर्ड स्टॉक के तो थर्ड स्टॉक की बात कर लेते यहाँ पे विगार्ड का वीकली चार्ट है यहाँ पे देखो ये जो गाय यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है यहाँ से निकलेगा ना तो गाइज ये स्टॉक फटेगा क्योंकि ये हाई पे चल रहा है और गाइज देखो यहाँ पे कॉन्सोलेट करा नीचे यहाँ पे कॉन्सुलट करा नीचे

ये या, ये ध्यान देखो गाइड यहां पे किसी भी कैंडल को हाई को कभी भी निकला नहीं है देखो गाय पे यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला हाई को कभी कोई भी कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा नहीं है अगर इस कैंडल को तोड़ता है इस वीक में तो गाई डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है तो गाय यहाँ पे ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में लिखा बैठा देना है, और है पे थोड़ा सा एनालिसिस करके गए पे अपने कैपिटल के हिसाब से पे ट्रेड ले लेना थैंक यू बढ़ते पे फोर्थ स्टॉक के पास तो गाय फोर्थ स्टॉक की बात करते करेगा यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल का स्टॉक है गाइज वनडे का चार्ट है गाइज यहाँ पे ये भी गाइज यहाँ पे स्टॉक देखो गाइज अच्छा खासा सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया गया जहाँ पे उसी गाइज यहाँ पे पैटर्न में अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट कर रहा है और अभी देखो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेंड आया और पे अभी ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है बट गाय जहाँ पे जो पिछला जो रेजिस्टेंस है जो बार बार मार्केट वहां से यहाँ पे पुल बैक रहा है तो ये याद रखना इस लेवल को निकालता है अच्छा गयजी. अभी तो कह पे ट्राइंगल को तो ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पे जो बिगनर है यहाँ पे एंट्री ले, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है छोड़ा ले भी ले होंगे और यहाँ पे छोड़ा था नीचे भी आएगा लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है यहाँ पे ये याद रखना बट गाय इस लेवल को निकालता है तो नो डाउट आपको ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है तो कह पे ये स्टॉक भी अपने वॉचलिस्ट में बिठा लेना अगर निकलता है तो नो डाउट अच्छा आपने आपके कैपिटल के हिसाब से रिस्क कर, मैनेज करके स्टॉक स्टॉक में एंट्री ले लेना पे आपको मैंने ये स्टॉक इस वीक के चारों के चारों अच्छे स्टॉक्स दिए तो गाय जी पे एनालिसिस करके देख लेना गाय जी पे और गई ऐसे स्टॉक्स के लिए और गई कोई भी स्टॉक्स ट्रेडिंग वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बता देना गायज अगर कोई भी ट्रेडिंग नया टॉपिक चाहिए तो, तो, तो उस टॉपिक पे भी अपन अच्छा खासा काम करके वीडियो बना लेंगे आपके लिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय